Okay, so let's start with the third lesson, that is safety and first aid. Okay, तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग जो है उन सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें फॉलो करना है, जैसे कि रोड पर सेफ्टी क्या होना चाहिए, फायर से सेफ्टी क्या होनी चाहिए, फायर फाइटिंग क्या है, फर्स्ट एड क्या होते हैं, हम लोग बहुत कुछ जो है जानेंगे इस लेसन के बाद। अब जहाँ तक एक्सीडेंट्स की बात है तो भाई नाम में ही मतलब है, एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया, जो अचानक से हो जाए, राइट? तो एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम एनी वेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। एक्सीडेंट जो है वो किसी भी समय कहीं पे भी बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। नाउ चिल्ड्रेन ऑफ्टन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड। बच्चे जो हैं वो अक्सर चोट लगा लेते हैं घर में, स्कूल में, प्ले ग्राउंड में या सड़क पे। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी लापरवाही से होते हैं। तो क्लास थ्री और क्लास फोर में जो है हम लोगों ने कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमें हमेशा जो है फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वो याद है, नहीं है तो भाई ये पिक्चर देख के तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। जैसे कि रोड क्रॉस करते वक्त जिब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना चाहिए, राइट, यूज करना चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, या फिर हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, चलती हुई बस में ना तो घुसना चाहिए ना उससे उतरना चाहिए, फिर बस के बाहर नहीं झांकना चाहिए, बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, धक्का मुक्की वाला जो रफ गेम्स होता है वो नहीं खेलना चाहिए, बेंचेज या बेड पर जो है नहीं उछलना चाहिए, और एक दूसरे को मस्ती में भी जो है धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ जो थे हम लोगों ने सेफ्टी नोट्स देखे थे वहाँ पर। या फिर ब्लेड का यूज करके अपनी पेंसिल को शार्प नहीं करना है, शार्पनर का यूज करना है। जो नुकीली चीज़ें होती हैं, धारदार चीज़ें होती हैं, उनको अपने बैग या पेंसिल बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। फिर बुक्स और डस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्लास में नहीं फेंकना चाहिए। जो शेल्फ्स हैं, जो तख्खा टाइप का बना रहता है ना सामान रखने के लिए, तो उसके ऊपर नहीं लटकना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। सीढ़ियों पर दौड़ के नहीं उतरना चाहिए। फ्लोर पर टॉयज नहीं छोड़ना चाहिए, डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। या फिर डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो होते हैं जिसमें कि प्लग वगैरह लगता है, तो उसको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टच अ हॉट आयरन। गर्म आयरन को जो है बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर। आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा रहे, राइट, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब लोग सेफ्टी ऑन द रोड के बारे में पहले जो है अब देखना शुरू करते हैं कि रोड पर क्या क्या सेफ्टी हमें जो है फॉलो करना चाहिए। नाउ सी, लाइक सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर सुरक्षा जो है, इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। ये पहले से, या कह सकते हो कि पहले की तुलना में या अभी के समय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि गाड़ियों की संख्या जिस तेज़ी में बढ़ी है, रैपिड इंक्रीज हुआ है, रैपिड इंक्रीज मतलब तेज़ी में वृद्धि, तो गाड़ियों की संख्या जिस तरह तेज़ी में बढ़ी है उसकी वजह से सेफ्टी ऑन द रोड जो है ये पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। बींग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड अस टू सीरियस एक्सीडेंट्स। सड़क पर लापरवाह होना, सड़क पर केयरलेस होना जो है वो हमें सीरियस वो हमारा सीरियस एक्सीडेंट सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। वी ऑलवेज शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें जो है हमेशा सेफ्टी रूल्स रोड पर फॉलो करना चाहिए। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ा था, फुटपाथ और जिब्रा क्रॉसिंग सब के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम लोग रोड पर जो है अलग अलग साइन देखते हैं, राइट, वी सी मैनी साइंस ऑन द रोड। हम रोड पर बहुत सारे चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं। दीज साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इन्हें रोड का चिन्ह, रोड साइंस या ट्रैफिक साइंस कहा जाता है। एंड वी शुड लर्न एंड फॉलो दीज साइंस। हमें जो है ये साइन सीखना चाहिए, इन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे ये वाला जो चिन्ह होता है, एक तीर इधर और बीच में कट, तो मतलब हो गया ये वन वे रास्ता है, मतलब एक तरफ सिर्फ गाड़ी जाएगी, आएगी नहीं उधर से। ये जो यू टाइप का यू टर्न का चिन्ह बना के इसको क्रॉस कर दिया, मतलब यू टर्न नहीं है, मतलब उस सड़क पर आप गाड़ी कहीं पे भी जो है पीछे की तरफ नहीं घुमा सकते। ये हॉर्न का चिन्ह बना के जो काट दिया, मतलब कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। ये जो चिन्ह है इसमें आप ध्यान से देखिए, एक आदमी है और ये जिब्रा क्रॉसिंग टाइप का बना हुआ है, तो मतलब इस जगह पर जिब्रा क्रॉसिंग है। अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप इस वाले पॉइंट पर पहुंचिए और यहाँ पे जाके आप जो है जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करके रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये पी लिख के क्रॉस किया हुआ है, ये नो पार्किंग का साइन हो गया।
ये नो एंट्री का साइन हो गया, नो पेडेस्ट्रियंस मतलब कि उस सड़क पर पैदल आदमी जो है नहीं चल सकता, लेफ्ट का चिन्ह देके कट मतलब नो लेफ्ट टर्न, वहाँ पर आप गाड़ी लेफ्ट बाएं की तरफ नहीं घुमा सकते, दाहिने की तरफ घुमा के काट दिया तो मतलब दाहिना टर्न नहीं ले सकते, ये वाला चिन्ह अगर आ गया तो मतलब कि स्पीड ब्रेकर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चिन्ह हैं रोड पर जिनका कि हमें जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कितना आपने समझा। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस, रोड पर अगर आप केयरलेस होते हैं तो इससे सीरियस क्या होता है, जाम लगता है, बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, राइट। द साइंस ऑन द रोड आर कॉल्ड, रोड पर जो साइन बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जिब्रा क्रॉसिंग ना, ट्रैफिक साइंस कहलाते हैं वो, ठीक है। वो ट्रैफिक के चिन्ह होंगे, ट्रैफिक लाइट इसलिए नहीं क्योंकि जो रोड पर बने लगे हुए लाइट होंगे वो ट्रैफिक लाइट होंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे चिन्हों की बात कर रहे हैं। वी शुड यूज़ द डैश टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, फुटपाथ का या व्हीकल का, जिब्रा क्रॉसिंग का, ठीक है। पैदल अगर आप हैं और रोड क्रॉस करना है तो हमें जिब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। तो वेल ये हो गई सड़क वाली बात, अब हम अगली बार बात करेंगे फायर से, फायर के सेफ्टी की, और ये फर्स्ट एड जो कि बिल्कुल उल्टा पड़ गया है, रियली बैड फॉर मी। वेल मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।